स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरेस द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि विदेशी धरती से भारत की सरकार को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। जॉर्ज सोरेस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पे हैं। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहिए कि इस विदेशी ताकत को हमें जवाब देना है। अब सवाल ये है कि कौन है जॉर्ज सोरेस और मोदी के लिए उसने क्या कहा है, तो आइए जानते हैं। जॉर्ज सोरेस फोर्ब्स के अनुसार $6.7 बिलियन की संपत्ति के मालिक हेज फंड का टाइकून है। उन्होंने न्यूयॉर्क में साल 1969 से लेकर 2011 तक फंड का काम किया। हंगरी में जन्मे सोरेस ने 17 साल की उम्र में अपना देश छोड़ दिया था और फोर्ब्स के अनुसार सोरेस अपनी संपत्ति का 64% हिस्सा दान कर चुका है। इसके अलावा 2020 में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक वह ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए $15 बिलियन से ज़्यादा बांट चुका है। बुश के खिलाफ खड़े होने के बाद वह ओबामा का सबसे बड़ा समर्थक के रूप में जाना जाता है। साल 2008 और 2012 में उसने ओबामा के लिए जमकर प्रचार किया था। अब बात करते हैं कि जॉर्ज सोरेस ने मोदी के लिए क्या कहा है। दरअसल अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरेस ने लिखा है कि गौतम अदानी के शेयरों में गिरावट के चलते भारत पर भरोसा कम होगा। ऐसी स्थिति में देश में लोकतंत्र का फिर से उभार हो सकता है। जॉर्ज सोरेस की यही पंक्ति है जिस पर भाजपा ने तीखा एतराज जताया है और इस पूरे मामले को साजिश करार दिया है। सोरेस ने कहा कि भारत पर निवेशकों का भरोसा कम होगा। सोरेस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी इस मामले पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और देश की संसद में जवाब देना होगा। सोरेस ने कहा कि इस पूरे मामले से मोदी की देश की सरकार पर पकड़ कमजोर होगी, इससे संस्थाओं में सुधार की स्थिति बनेगी। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन भारत में लोकतंत्र का दोबारा उभार होगा। स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक को तोड़ दिया, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेगी। ईरानी ने कहा कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं यह आह्वान करना चाहती हूँ कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में है एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज सोरेस, उन्होंने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि जॉर्ज सोरेस को हम एक सुर में यह जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराएंगे। उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी इस मुद्दे पर जॉर्ज सोरेस को जमकर फटकार लगाई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।